हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये जो टॉपिक है हमारा, जो मैंने कंटिन्यू किया था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं इसे थोड़ा सा कंटिन्यू नहीं कर पाया था लंबे टाइम तक, बट मैं रिज्यूम कर रहा हूँ उस पर्टिकुलर सीरीज को, जो कि है जीके जीएस डोज डेली बेसिस पे। और इसके ऑलरेडी मैं पार्ट 6 कवर कर चुका हूँ और दिस इज द पार्ट 7 ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज। इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो स्पेसिफिकली आपके बात रहेंगे यूपीएससी के एग्जाम्स के लिए और जो भी आपके स्टेट पीएससी के एग्जाम्स हैं, ठीक है। इन एग्जाम्स को फोकस करते हुए ये पर्टिकुलर सीरीज चल रही है हमारी, ठीक है। अदर एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं कि वहीं पर पूछा जाएगा, बट कहीं भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या वन लाइनर क्वेश्चंस सभी को मिक्स करके उनके यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर जो आप लोगों ने अभी तक पार्ट 6 तक नहीं देखा है तो प्लीज़ फॉलो दैट पर्टिकुलर प्लेलिस्ट जो आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि हमारा पार्ट 7 का। सो पार्ट 7 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, यह है आपका इंडियन पॉलिटी का। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन्स द टर्म पॉलिटी। पॉलिटी को सही तरीके से एक्सप्लेन करने वाला टर्म कौन सा है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें फर्स्ट स्टेटमेंट की, और यहाँ पर पूछा गया है करेक्ट। देखिए, जब भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आप ऊपर की स्टेटमेंट देखें कि इसमें पूछा क्या गया, किस बारे में पूछा गया है, और फिर लास्ट में आप यहाँ पर देखें कि हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट, क्या पूछा गया है एक्चुअली, ठीक है। तो इस दो चीज़ों को आइडेंटिफाई करना सबसे पहले जरूरी है। देन हम बात करते हैं स्टेटमेंट 1 की। तो पॉलिटी टर्म को एक्सप्लेन कौन सा टर्म यहाँ पर स्टेटमेंट प्रॉपरली करती है, इसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो पहली स्टेटमेंट में है, इट रिफर्स टू एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी इंक्लूडिंग अ स्टेट, किंगडम और अ पब्लिक। तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये एक तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेनेशन लग रहा है, ओके, इसको होल्ड रखते हैं। अगली वाली स्टेटमेंट्स को देखते हैं। यहाँ पर पूछा है इट इज एन एंटिटी कंप्राइजिंग ऑफ टेरिटोरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट एंड सोवरेनिटी। ठीक है, टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट एंड सोवरेनिटी, ये पॉलिटी को नहीं डिफाइन करता, ये बेसिकली टेरिटरी की जब हम बात करते हैं तो ये डिफाइन करता है स्टेट को, ठीक है। स्टेट दैट मीन्स, अगर जो हम जब हम पॉलिटी के अंदर स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट का मतलब होता है कंट्री, ठीक है। तो दिस डिफाइंस द स्टेट। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट तो गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज वेस्टेड इन द पीपल who ruled either directly or through freely elected representative। देखिए, ये जो स्टेटमेंट है, देखिए जैसे अभी 2024 इलेक्शन ईयर है ना, इसे आप सभी को पता होगा। तो ये बेसिकली डेमोक्रेसी, ठीक है, या फिर आप कह लीजिए डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के बारे में यहाँ पर बात करता है कि गवर्नमेंट बनती है द्वारा के लोगों के द्वारा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्शंस के थ्रू, ठीक है। दैट इज रिलेटेड विद द डेमोक्रेसी, नॉट विद द पॉलिटी। तो थर्ड स्टेटमेंट भी यहाँ पर क्या है, गलत है। नाउ फोर्थ स्टेटमेंट, इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट इज डिफाइंड, अथॉरिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज डिफाइंड एंड लिमिटेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, लिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात करते हैं तो ये डिफाइन बेसिकली जिसको करता है, एक टर्म आता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को डिफाइन करता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट फीचर है पॉलिटी का बेसिकली, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो नॉट रिलेटेड विद द एग्जैक्टली द डेफिनेशन ऑफ द पॉलिटी। सो यहाँ पर फोर्थ स्टेटमेंट भी क्या है, आपका गलत है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ओनली वन, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, वो कौन सी है आपकी, फर्स्ट स्टेटमेंट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से संबंधित आपको स्टेटमेंट दी गई है और आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट है इट हैड इलेक्टेड मेंबर एज अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द प्रोविंसेस। बिल्कुल, प्रोविंसेस से इसके मेंबर जो है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी ये कब बनी थी, 1946 के अंदर बनी थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेंबर्स का रिप्रेजेंटेटिव है वो कहाँ से था, प्रोविंसेस से था, प्रांतों से था। और वो कौन कौन से प्रांत थे, जैसे कि बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल, ये जो प्रांत थे वहाँ से लोगों को चुना गया था बेसिकली, और भी बहुत सारी जो प्रांतें थी वहाँ से। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो क्या है यहाँ पर, करेक्ट है आपकी। सेकंड स्टेटमेंट है, इट इज़ अ फुल्ली सोवरन बॉडी एट द टाइम ऑफ क्रिएशन। देखिए, फुल्ली सोवरन नहीं थी एट द टाइम ऑफ क्रिएशन, ठीक है। जब ये क्रिएट हुई थी,
बेसिकली क्रिएट कब होती है, इट इज क्रिएटेड बाय द कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत या कैबिनेट मिशन जब आता है, और कैबिनेट मिशन किसकी ऑर्गेनाइजेशन था, किसका ग्रुप था, ये ब्रिटिशर्स के द्वारा भेजा गया एक ग्रुप था, ठीक है। तो उस टाइम पर ये एक सोवरन बॉडी नहीं थी, दिस इज नॉट अ कम्प्लीटली सोवरन बॉडी। हाँ, बट जब इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 के बाद, जब इंडिपेंडेंस मिली थी उस टाइम पर सोवरेनिटी जो है वो स्थापित होती है, ठीक है। बट एट द टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इसके बनने के साथ में ये सोवरन बॉडी नहीं थी, तो पहली बात तो ये होगी गलत। सेकेंड, ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट है, इट्स कंपोजिशन वॉज डिसाइडेड एज पर द प्रोविजन ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान। भाई जो भी इसकी कंपोजिशन होगी, जैसे कंपोजिशन में क्या था, तो जब हम कंपोजिशन में बात करें तो 389 सीट्स थी यहाँ पर इन टोटल, इसमें से 296 ब्रिटिश प्रोविंसेस से थी और 93 सीट्स जो थी वो कहाँ से थी, प्रिंसली स्टेट्स से थी, ठीक है। तो इस तरीके से जो कंपोजिशन थी वो बेसिकली कैबिनेट मिशन जो था उसकी रिकमेंडेशन या उसका इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो वन एंड टू करेक्ट है, दैट मीन्स यहाँ पर ओनली टू स्टेटमेंट्स जो है वो क्या रहेंगी, करेक्ट रहेंगी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट देखिए, ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, एक स्टेटमेंट आपको यहाँ दी गई है, दूसरी स्टेटमेंट यहाँ दी गई है, ठीक है। चलो पहले को देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट पूछा है, कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज नॉट मेयरली अ मैटर ऑफ फॉलोइंग द लेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट ऑल्सो रिक्वायर्स अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्पिरिट एंड द इंटेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट आपकी क्या है यहाँ पर, करेक्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है वो सिर्फ एक कानूनी या पेपर का दस्तावेज नहीं है, जस्ट अ लेटर ऑफ पीस ऑफ पेपर नहीं है, इट ये बेसिकली क्या है, कॉन्सेप्ट है, और एक तरीके का कॉन्सेप्ट है या कह लीजिए इमोशन है, ठीक है। इमोशन बेसिकली यहाँ पर जुड़े हुए हैं, इंटेंशन जुड़ी हुई है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का उद्देश्य क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो पहले स्टेटमेंट तो करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट में है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज अ मैटर ऑफ पर्सनल इंटरप्रिटेशन, ठीक है। देखिए, ये एक पर्सनल इंटरप्रिटेशन का मैटर है, बट एंड देयर इज नो करेक्ट वे टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, यहाँ पर करेक्ट वे हैं, ठीक है, करेक्ट वे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के, बट ऑन द बेसिस ऑफ द लीगल प्रोसीजर्स या लीगल रीजन एंड प्रोसीजर्स के बेसिस पर यहाँ पर आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। बट ये सिर्फ एक मतलब ऐसा नहीं कि पर्सनल इंटरप्रिटेशन, पर्सनल है एक हद तक, बट नॉट कम्प्लीटली, ठीक है। और साथ में यहाँ पर रीजन भी हैं, मतलब एक माध्यम भी हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकते हैं। इंटरप्रेट का मतलब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अमेंडमेंट की, ठीक है, अमेंडमेंट की। तो अमेंडमेंट किस आर्टिकल के थ्रू होता है, 368 आर्टिकल के तहत किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट क्या है, गलत है। फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है, दैट मीन्स यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट वन, बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लेजिस्लेशन एंड द न्यूली प्रपोज्ड बिल एज देयर रिप्लेसमेंट, ओके। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है, जो यूनियन होम मिनिस्टर थे, यूनियन होम मिनिस्टर ने तीन बिल इंट्रोड्यूस किए थे, ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर, ठीक। और वो बिल क्या कर रहे थे, वो रिपील कर रहे थे, मतलब हटा रहे थे या खारिज कर रहे थे किनको, ब्रिटिश एरा के, जो ब्रिटिश टाइम पर जो आईपीसी आई थी, आईपीसी इंडियन पैनल कोड या इस तरीके से सीआरपीसी थी, ठीक है, एविडेंस एक्ट थे, तो इन सबको रिपील, मतलब इनको रिनेमिंग किया गया और बहुत सारे चेंजेस किए गए। तो इन टोटल नंबर ऑफ चेंजेस की हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर 313 इन तीनों बिल्स के अंदर, बेसिकली ये बिल्स जो थे इनके अंदर 313 अमेंडमेंट्स, 313 चेंजेस किए गए, ठीक है, और उनके कुछ नए नाम दिए गए, मतलब उनका रीनेमिंग किया गया एक तरीके से, आप ये कह सकते हैं। ये ओल्ड लेजिस्लेशन था, यहाँ पर नया रिप्लेसमेंट बिल है। तो यहाँ पर हम बात करें तो आईपीसी इंडियन पैनल कोड 1860, देखिए कब का पुराना, इतना पुराना बिल है, 860 का, ठीक है। इसको बनाया गया भारतीय न्याय संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जिसे सीआरपीसी क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका बनता है कब, या क्या बनता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, एविडेंस एक्ट 1872, ये आपका बनता है भारतीय साक्ष्य बिल, ठीक है। तो ये इस तरीके से तीन बिल्स आए थे, बट यहाँ पर करेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से संबंधित आपकी कुछ स्टेटमेंट्स हैं, और आपको क्या बताना है यहाँ पर, कौन सी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो देखिए, आर्टिकल वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
यूजेस बोथ द टर्म इंडिया एंड भारत इंटरचेंजेबली। बिल्कुल ये सही है, जब हम आर्टिकल वन पढ़ते हैं तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, इंडिया दैट इज द भारत, इस तरीके का जो वर्ड स्टेटमेंट है वो आपको देखने को मिलता है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट तो क्या है यहाँ पर करेक्ट है। हिंदी वर्जन जो है प्रीएम्बल का, ठीक है, उसके अंदर भारत यूज किया गया है इन द प्लेस ऑफ इंडिया। देखिए जब हम पढ़ते हैं ना इंडिया दैट इज भारत, ऐसा लिखा गया है दैट इज भारत, ठीक है। तो जब ये स्टेटमेंट आप हिंदी के प्रीएम्बल में, हिंदी वर्जन ऑफ द प्रीएम्बल में पढ़ते हैं तो वहां पर इंडिया जो स्टार्टिंग में है वो ना लिख के वहां पर लिखा गया भारत अर्थात इंडिया, ठीक है, मतलब वहां लिखा गया भारत अर्थात राज्यों का संघ, ठीक है। क्या लिखा गया है, भारत अर्थात इंडिया, सॉरी भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ, ठीक है। इस तरीके की स्टेटमेंट यहां पर मेंशन की गई है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है आपकी, देयर वाज अ अनएमिनिटी अमंग द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर रिगार्डिंग द अडॉप्शन ऑफ द नेम इंडिया अलॉन्ग विद द भारत एज एन ऑफिशियल नेम। देखिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे वहां पर डिफरेंट टाइप के लोग थे, डिफरेंट एरिया से आते थे, सबके अपने अपने विचार थे, बट कुछ के नाम जो हैं वो इंडिया रखना चाहते थे भारत के साथ, कुछ भारत ही रखना चाहते थे। तो ऐसा स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी गई है कि मतलब उनका वो था बेसिकली, वो नहीं चाहते थे कि ऐसा रखा जाए या चाहते थे ऐसा कुछ बात हुई थी, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नाम आते हैं, जैसे दो कांग्रेस के लीडर थे, एक का नाम था सेठ गोविंद सिंह, ठीक है, और एक थे के त्रिपाठी, ठीक है। ये चाहते थे कि भारत रखा जाए नाम, ठीक है, ये थोड़ा सा विरोध में थे, ठीक, एंड मतलब क्वेश्चन में ये कहा गया कि बिना विरोध के नाम रखा गया है ना, मतलब कि किसी ने कोई विरोध नहीं किया, क्या किसी ने अपोज नहीं किया इस तरीके के स्टेटमेंट को, बट यहाँ स्टेटमेंट तो ये गलत हो जाती है, विरोध तो किया था, ये दो लोग चाहते थे कि भारत रखा जाए। और दो और लोग थे, उनका नाम था हरगोविंद पंत, ठीक, और साथ में यहाँ पर थे एच वी कावत, ये चाहते थे भारत वर्ष नाम रखा जाए। तो मतलब ये चार लोग तो थे भारत वर्ष के नाम मतलब समर्थन में, बट बाकी लोग इंडिया के समर्थन में थे, बट ये दोनों के समर्थन में नहीं थे, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट थर्ड जो है वो गलत है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट गिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड प्रोटेक्शन टू द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ओके, जब हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करते हैं तो एक एक्ट आता है 2011 के अंदर, ठीक है, 97th अमेंडमेंट एक्ट, तो वो प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 93rd अमेंडमेंट आपका 2006 का है, तो इसके अंदर जो है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, ठीक है, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड फॉर द एससी एंड एसटी कैटेगरीज के लोगों के लिए यहाँ पर रिजर्वेशन या उसके बारे में यहाँ पर बात कही गई है। 86th अमेंडमेंट जो था आपका ये 2002 में आता है, जिसके अंदर कहत फंडामेंटल राइट जो है आपका अमेंड किया जाता है, दैट इज 11th फंडामेंटल राइट जो रिलेटेड विद द एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन बिटवीन 16 to 14 years, वो कंपलसरी किया गया है, मतलब मिलनी चाहिए, बेसिक नॉट कंपलसरी, दैट इज मिलनी चाहिए इस एज ग्रुप के बच्चों को एजुकेशन, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट आपका 1976 में आता है, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इसके अंदर प्रीएम्बल के अंदर कुछ वर्ड्स ऐड किए गए थे, जैसे सेकुलरिज्म, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की हम बात कर रहे हैं और करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। ये अनलिमिटेड पावर देता है टू द डोमिनियन ऑफ इंडिया टू फ्रेम एंड अडॉप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल, देखिए इस एक्ट के दौरान ये कहा गया कि भाई भारत मतलब दो डोमिनियन स्टेट स्थापित किए गए, एक था पाकिस्तान, दूसरा था इंडिया, ठीक है, और ये पूरी पावर देता है कि आप अपना पूरा संविधान बनाएं और उसको अडॉप्ट करें। ये तो करेक्ट है, ये इन्फोर्स होता है 18 जुलाई 1947 से, ठीक है, ये जो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट है ये, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर क्या है आपकी करेक्ट है।
तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ वन एंड टू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट करेक्ट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट नहीं है। ओके तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन 26th of November 1949। बिल्कुल सही है, ठीक है, इस डेट में ये पर अडॉप्ट किया गया था। सेकेंड स्टेटमेंट में है, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज चूजन एज 26th of January बिकॉज पूर्ण स्वराज डे इज सेलिब्रेटेड एज ऑन 1930। और ये कहाँ पर हुआ था? लाहौर सेशन के अंदर हुआ था, लाहौर सेशन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड स्टेटमेंट भी आपकी क्या है, करेक्ट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर पूछा नॉट करेक्ट, ठीक है, ध्यान रखने का है। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वर रिपील विद द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, जाहिर सी बात है, जब संविधान बन जाएगा और बन के जब लागू होगा, तो ये जो 47 का अमेंडमेंट था और जो 1935 के जो रूल्स थे वो क्या हो जाएंगे, बेसिकली खारिज हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ये भी करेक्ट है आपका। द अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रीएम्बल, एक प्रीएम्बल था बिल्कुल, 395 आर्टिकल्स थे और 10 शेड्यूल नहीं थे यहाँ पर, 8 शेड्यूल थे यहाँ पर, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के टाइम पर ये आंकड़ा था, बट यहाँ पर ऑप्शन डी आपका क्या है, गलत है। तो मतलब आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बट अगर जो हम बात करें एट प्रेजेंट की हम बात करें, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक प्रीएम्बल है प्लस अराउंड 465 अराउंड आर्टिकल्स हैं एंड 12 शेड्यूल्स हैं एंड चैप्टर्स कितने हैं, 25, नॉट चैप्टर और यू कैन सी द पार्ट्स, ठीक है, पार्ट्स कितने हैं, 25। जब ये बना था तब यहाँ पर 22 पार्ट्स थे, ठीक है। तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है, कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, करेक्ट है यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले स्टेटमेंट है आपको, इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड एज एन इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन स्टेट ऑन 15th August 1947 थ्रू द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। देखिए, सोवरेन स्टेट नहीं बनी, इंडिपेंडेंट तो बनी थी, बट दिस इज नॉट डिक्लेयर्ड एज अ सोवरेन स्टेट, ठीक है। तो सोवरेन स्टेट बनने के लिए, देखिए, इस टाइम पर जब 1947 में ये था कि ये आपका टू डोमिनियन स्टेट्स के अंदर ये बटी थी, एक था इंडिया और दूसरा था पाकिस्तान, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान में ये बटी थी। और हाँ, जब हम बात करें सोवरेनिटी की, ये सोवरेनिटी हमारी स्थापित होती है जब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है ऑन द डेट ऑफ 26th of January 1950, ठीक है, 26 जनवरी 1950 से जो है भारत एक सोवरेन देश बन गया था, बट इस पर्टिकुलर डेट के अंदर ये नहीं था। तो आपकी ये स्टेटमेंट तो क्या है, गलत है। नेक्स्ट है, नेहरू रिपोर्ट प्रोवाइड फंडामेंटल एंड यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। ओके, तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या है यहाँ पर, करेक्ट है, 1928 में ये आती है, ठीक। और इसके अंदर जो है 19 फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, जिसके अंदर इक्वल राइट्स फॉर द वुमेन या राइट टू फॉर्म अ यूनियन, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, इस तरीके के राइट्स जो है यहाँ पर मेंशन थे इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया वॉज एबॉलिश्ड बाय द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या है, करेक्ट है। क्यों? देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ, ये जो पद है सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया, ये पद 1858 के एक्ट के दौरान जब क्राउन रूल भारत पे लागू होता है, उस टाइम पर ये पद जो है क्रिएट किया गया था, ठीक है। बट जब आज़ादी मिल रही है तो जाहिर सी बात है ये वाला जो पद है या ऑफिस है, ये बेसिकली क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टेटमेंट है सेकेंड एंड थर्ड, दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ, सॉरी सी, नॉट बी, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कमेटी है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उससे संबंधित कुछ स्टेटमेंट है। तो पहली स्टेटमेंट है, कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंडक्टेड प्राइमरी रिसर्च ऑन द सब्जेक्ट अलोकेटेड टू देम। देखिए, जो कमेटी बनाई गई, उनको मेन काम यही था कि पहले क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे, चीज़ें हैं कैसी, उनको फाइंड करना है, कहाँ से लेना है, क्या रखना है, क्या छोड़ना है, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली। दैट इज ऑप्शन वन, स्टेटमेंट वन, नॉट ऑप्शन, दैट इज स्टेटमेंट वन तो है आपकी, कैरेक्ट है यहाँ पे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज अ मेंबर ऑफ मल्टीपल कमेटी, बिल्कुल बहुत सारी कमेटीज के मेंबर थे। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है आपका, मल्टीपल मेंबर्स मतलब यहाँ पर थे, ये मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी के, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी के मेंबर थे, साथ में ये
फाइनेंस स्टाफ कमेटी के भी मेंबर थे, रूल एंड प्रोसीजर कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट इसके भी ये मेंबर थे, ठीक है, और ड्राफ्टर ड्राफ्टिंग कमेटी के तो ये चेयरपर्सन भी थे, ठीक है। तो इस तरीके से कई सारे मेंबर कमेटियों के मेंबर भी रह चुके हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया वॉज द लार्जेस्ट ऑफ द कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है, बिल्कुल नंबर यहाँ पर जो मेंबर्स के नंबर थे ना वो लगभग 50 के आसपास थे, अराउंड 50 मेंबर्स यहाँ पर इस पर्टिकुलर कमेटीज के अंदर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो यहाँ पर तीनों करेक्ट हैं, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑल द थ्री आर द करेक्ट वन। द इंडियन हाईकोर्ट एक्ट ऑफ 1861 एस्टैब्लिश द हाईकोर्ट ऑफ कलकत्ता मद्रास एंड बॉम्बे, तो पहले स्टेटमेंट तो यहाँ पर करेक्ट है, इस एक्ट के दौरान ही ये तीन हाईकोर्ट जो है सबसे पहले स्थापित किए गए थे देश के अंदर। फेडरल कोर्ट जो है वो 1920 में नहीं, ये 1937 में बना था और थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत, ठीक है, 1935 के तहत ये बना था फेडरल कोर्ट, और 35 के तहत तो आपका आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी स्थापित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट क्या है, गलत है, पहला करेक्ट है, दैट मीन्स ओनली वन ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 12। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द मॉन्टेग्यू क्लेमेंसॉल रिफॉर्म, देखिए मॉन्टेग्यू क्लेमेंसॉल रिफॉर्म की बात करते हैं तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, ठीक है। तो यहाँ पर बात करी गई है, इट प्रोवाइड्स अ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर एंग्लो इंडियंस, ठीक है, तो क्या एंग्लो इंडियंस को बिल्कुल प्रोवाइड करता था, ठीक है, बट साथ में यहाँ पर एंग्लो इंडियंस सिख क्रिश्चियन, ठीक है, और यूरोपियंस इन सभी के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट का जो प्रोविजन था उसको प्रोवाइड करता था। बट यहाँ पर जब हम बात करें तो पहले स्टेटमेंट तो करेक्ट है, बट जब हम सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट की फॉर द मुस्लिम्स, ठीक है, मुस्लिम्स के लिए, तो ये लागू होता है कब से, थ्रू द 1909 के एक्ट के अनुसार, 1909 के एक्ट के अनुसार ये चीजें लागू होती हैं, ठीक है। द एक्ट डिवाइड द पावर बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंशियल यूनिट इन टर्म्स ऑफ थ्री लिस्ट, जाहिर सी बात है, ठीक है, ओके, नहीं नहीं देखिए ये जो एक्ट है 1919 नहीं डिवाइड करता, ये जो डिवीजन ऑफ द पावर्स है सेंटर और स्टेट के बीच में या प्रोविंसेस के बीच में, ये होता है 1935 के एक्ट के अनुसार, ना कि 1919 के अनुसार, तो सेकंड स्टेटमेंट तो गलत है। अब ये 1935 के अनुसार जो डिवीजन होता है वो फेडरल लिस्ट आती है जिसके अंदर 59 सब्जेक्ट्स हैं, फिर आपकी प्रोविंशियल लिस्ट आती है जिसके अंदर 51 सब्जेक्ट्स हैं, एंड द कंकरेंट लिस्ट आती है जिसके अंदर 36 सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और जो रेसिडरी पावर है वो किसके पास जाती है, विद गोज विद द वॉइसरॉय और द गवर्नर जनरल जो भी पद है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट, द प्रोविजन प्रोविंशियल सॉरी द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वॉज अलाउड टू हैव देयर ओन बजट सेपरेट, देखिए इस एक्ट के अनुसार, ठीक है, जो बजट है वो अलग कर दिया गया था सेंट्रल बजट से, ठीक है, सेंट्रल बजट से क्या कर दिया गया, सेंट्रल बजट से इसे अलग कर दिया गया था, सेपरेट कर दिया गया था इस पर्टिकुलर एक्ट के अनुसार, तो ये भी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट नंबर 4, इट प्रोवाइड्स फॉर डायरकी एट प्रोविंसेस, ठीक है, डायरकी एट द प्रोविंसेस, ओके, एंड इन विच द रिजर्व सब्जेक्ट वर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर विद एडेड मिनिस्टर, देखिए गवर्नर जो है यहाँ पर विद द एडेड मिनिस्टर्स की बात करें तो यहाँ पर जो ट्रांसफर सब्जेक्ट लिखा है ना, रिजर्व सब्जेक्ट, ओके, तो रिजर्व सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं थी, ये गवर्न करते थे बेसिकली किसको, ये गलत है आपकी स्टेटमेंट, ये गवर्न करते थे ट्रांसफर सब्जेक्ट को, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट को, ठीक है, और रिजर्व सब्जेक्ट्स को जो गवर्न करते थे वो थे गवर्नर थे, गवर्नर, ठीक है, और विद उनकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो लोग थे या मेंबर्स थे वो यहाँ पर गवर्न करते थे इसको, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट थर्ड, दैट इज ओनली टू, ऑप्शन बी यहां पर क्या होगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस द यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज वॉज ग्रांटेड टू ऑल सिटीजन्स या ऑल एडल्ट सिटीजन्स एट 21 एंड अबव, बिल्कुल सही बात है। तो पहला स्टेटमेंट तो यहां पर करेक्ट है, करेक्ट पूछा गया है कि भाई जब भारत आजाद हुआ था तब ये जो वोटिंग एज थी बेसिकली, सिंपली यहाँ पर आपसे पूछा है वोटिंग एज के बारे में, तो वो थी आपकी 21 इयर्स। इसको रिड्यूस कर दिया गया था, क्या कर दिया गया था, रिड्यूस कर दिया गया था, दैट इज 61st ऑफ अमेंडमेंट के तहत
और ये 21 से कहां तक घट गई थी, ये हो गई थी 18 ईयर्स तक की, ठीक है। तो पहले स्टेटमेंट करेक्ट है, यहां पे लिखा भी हुआ है। ओके, ये रिड्यूस हुई थी 53rd अमेंडमेंट, नहीं 53rd नहीं होगा, तो स्टेटमेंट 2 यहां पर गलत है। 53rd जो अमेंडमेंट था वो था आपका स्टेटहुड देने का, स्टेटहुड का जो दर्जा है देने का किसको, ये देना था मिजोरम को, मिजोरम को राज्य का एक पूर्ण दर्जा दिया गया था इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट के तहत, 53rd अमेंडमेंट, ना कि ये आपका एज को रिड्यूस कर रहा था। थ्रू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल, इट प्रोवाइड्स ओनली अ सिंगल सिटीजनशिप। बिल्कुल, जब सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है, क्योंकि यहाँ पर ड्यूअल पॉलिटी आपको देखने को मिलेगी, दो शासन एक तरीके से, मतलब लोअर हाउस है, अपर हाउस है, ठीक है, और साथ में यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप आपको देखने को मिलती है। तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पर 1 and 3, दैट इज ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड 15 मेंबर्स, जो कि आपकी क्या थी, वुमेन्स थी। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो इन चार महिलाओं में से वो कौन सी महिला थी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेंबर नहीं थी, है ना। तो वो थी उषा मेहता, ठीक है। उषा मेहता संबंधित है बेसिकली, इन्होंने एक ऑल इंडिया रेडियो, बेसिकली ऑल इंडिया रेडियो पर अपना प्रसारण किया था, ठीक है, और ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट जो 1942 को हुआ था, उस टाइम पर इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में मतलब कांग्रेस को सपोर्ट या आज़ादी को सपोर्ट करने के लिए अपनी बात रखी गई थी, ठीक है। बाद में इन्हें अरेस्ट भी कर लिया गया था। तो ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेंबर नहीं थी। दुर्गाबाई देशमुख, ये आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेंबर थी। एनी मैस्करेन, ये भी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेंबर थी। सरोजिनी नायडू भी आपकी मेंबर थी, और सरोजिनी नायडू को तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। विद रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओके, और आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। इट इज अ सब्सटेंशियली अल्टर द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दैट प्रिवेल इन इंडिया, ठीक है। ये बेसिकली अल्टर नहीं कर रहा था, यहाँ पर बेसिकली ये एक्ट जो था ये क्या कर रहा था, अबॉलिश कर रहा था किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर खारिज कर दिया गया, खत्म कर दिया गया था, और यहाँ पर डायरेक्टली जो रूल आ जाता है वो आ जाता है क्राउन रूल। क्यों, बिकॉज मेन रीजन था यहाँ पर, मेन रीजन था कि जो 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसके बाद ये चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ये अल्टर नहीं कर रहा है कि मतलब कोई सब्सटेंशियल या अल्टरनेटिव गवर्नमेंट यहाँ पर भारत में बन रही हो, ऐसा नहीं है यहाँ पर। इट प्रॉमिस इक्वल अपॉर्चुनिटी टू इंडियंस इन द गवर्नमेंट सर्विस रिस्पेक्टिव टू द रेस एंड क्रीड, ये बात सही है आपकी, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है कि भाई इस एक्ट के अनुसार, एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस भी कहा जाता है इस एक्ट को, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट, ठीक है, गुड गवर्नमेंट के नाम से भी इसे जाना जाता है। इट असर्टेड द सोवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनी टेरिटरी इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, देखो ये फर्स्ट टाइम नहीं था, ये पहली बार जो है 1858 में नहीं, ये पहली बार हुआ था 1813 के अंदर, 1813 के चार्टर्ड एक्ट जो था उसके अनुसार ये चीज कही गई थी। तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी गलत है यहाँ पर। तो सही आपकी सिर्फ है ओनली बी, दैट इज स्टेटमेंट 2, ठीक है, ऑप्शन बी यहां पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से रिलेटेड आपकी स्टेटमेंट है। तो यहां पर पूछा गया है और बताना है क्या है, नॉट करेक्ट है, देखिए यहां पर नॉट आ गया, अभी तक हम करेक्ट चल रहे थे, अब यहां पर नॉट करेक्ट स्टेटमेंट आपको पूछी गई है। तो ये क्या कहती है कि इट प्रोवाइड्स फॉर बाइकैमरलिज्म इन ऑल द 11 प्रोविंशियस अंडर द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। देखो द्वैशासन मतलब यहाँ पर जो आज की डेट में हम बात करें विधान सभा एंड विधान परिषद, ठीक है, ये द्वैशासन बाइकैमरल सिस्टम भारत के सभी प्रोविंसेस में था, नहीं ऐसा नहीं था, ये 6 प्रोविंसेस में था, जो टोटल 11 थे उनमें से 6 प्रोविंसेस में था। वो 6 प्रोविंसेस कौन कौन से थे, ये था आपके बंगाल बिहार मद्रास एंड बॉम्बे, ठीक है, बॉम्बे के बाद असम एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस, जो आज की डेट में हमारा यूपी है, यूनाइटेड प्रोविंस। इन 6 जगहों पे बेसिकली ये ड्यूअल सिस्टम था, बाइकैमरल सिस्टम था।
तो ये तो गलत हो गया। द रेसिडुअरी पावर ऑफ लेजिस्लेशन वॉज वेस्टेड विद द फेडरल गवर्नमेंट। जो रेसिडुअरी पावर है वो हम कई बार पढ़ते आ रहे हैं लगातार कि रेसिडुअरी पावर जो है वो किसके पास होती है, वो होती है गवर्नर जनरल जो होगा उस टाइम पर, या फिर जिसे हम वॉइस रॉय का पद कहते हैं उसके पास यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये भी गलत हो गया। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर अलाउड टू बोरो मनी फ्रॉम देयर ओन सिक्योरिटी। जो प्रांतीय सरकारें थी उनके उनको ये अधिकार था कि वो अपनी सरकार के लिए क्या है पैसों की या अपने खर्चों के लिए बेसिकली पैसों मतलब जो उनकी सरकार है या जो भी उनकी सिस्टम चल रहा है उसके लिए जो सिक्योरिटी है सेना के लिए जो पैसा है उसका इंतजाम वो खुद करेंगे, और खुद कैसे करेंगे टैक्सेस कलेक्ट करके। तो ये चीज़ आपकी सही है, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। और यहाँ पर जो अबॉलिश करी गई थी देखो इस पर्टिकुलर एक्ट के अनुसार जो हमारा 35 था इसके अनुसार जो है डायरकी जो है वो खत्म कर दी गई थी, ठीक है। अबॉलिश हो जाती है कहाँ पर, प्रोविंसेस में, और इंट्रोड्यूस कहाँ जाती है, इंट्रोड्यूस हो जाती है होता है यहाँ पर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यहाँ पर शुरू होता है, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन डी जो होगा। नहीं सॉरी डी नहीं, आपसे पूछा क्या गया था इसमें, यहाँ पर पूछा गया था नॉट करेक्ट है ना, नॉट करेक्ट तो 1 एंड 2 है, ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर इतने ही क्वेश्चंस को हम करेंगे, नेक्स्ट पार्ट के अंदर बाकी क्वेश्चंस को करेंगे हम लोग। सो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर जो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर।